नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है दीपावली स्पेशल मिठाई बनाने की। आज जो हम ये लड्डू बनाएंगे झटपट से बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में डालो और घुल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं ये पनीर के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पनीर के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने एक कप ये पनीर लिया है, आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। आधा कप ली है हमने चीनी, आधा कप लिया है हमने दूध, रूम टेम्परेचर पर हमने लिया है। मीठे का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। एक बड़ा चम्मच लिया है हमने देसी घी और एक चौथाई कप यानी 1/4 कप हमने लिया है यहाँ पर मिल्क पाउडर। आप इसमें मिल्क पाउडर जरूर ऐड करें, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से यहाँ पर हमने पिस्ते लिए हैं गार्निशिंग के लिए, 8 से 10 हमने केसर के धागे लिए थे, उनको हमने एक चम्मच दूध में पहले से ही भिगो के रख दिया है जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा। एक चौथाई चम्मच लिया है हमने हरी इलायची का पाउडर। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी बर्तन लें वो हैवी बॉटम पैन होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे घी, थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, अगर हमें जरूरत होगी तो हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर बचा लिया है, घी को हम गरम कर लेते हैं। जैसे ही घी हल्का सा गरम हो जाएगा तो जो हमने पनीर लिया है इसको हम इस तरह से क्रम्बल करते हुए पैन में ऐड करेंगे। ये देखिए साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। गैस की फ्लेम अभी हमने लो कर रखी है और लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर और चीनी को। तो ये देखिए पनीर और चीनी हमने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और 2 मिनट के लगभग हम इसको बराबर से चलाते हुए ही पकाएंगे। जो भी हमें बड़े पीस दिखेंगे उनको इस तरह से हम मैश कर देंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि किस तरह से है। आप देख सकते हैं कि चीनी पूरी तरह से घुल गई है। गैस की फ्लेम को अभी हम लो कर देते हैं। अब हमने जो ये आधा कप दूध और मिल्क पाउडर लिया था इसको थोड़ा थोड़ा हम दूध में ऐड करते हुए मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई लम्स न बने इसमें। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है। तो ये देखिए मिल्क पाउडर हमने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने दूध और मिल्क पाउडर जो घोल बना के तैयार किया है वो हम पैन में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को अभी हमने लो ही कर रखा है, साथ ही जो हमने एक चम्मच दूध में केसर भिगो के रखी थी वो भी हम ऐड कर देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए बराबर से इसे चलाते हुए कुक करेंगे। बराबर से हमें चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हम इसको और कुक करेंगे। हमें तब तक कुक करना है जब तक ये पैन न छोड़ने लगे और इकट्ठा न होने लगे। तो बराबर से हमें चलाते रहना है, तले में से लेते हुए चलाना, हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो ये देखिए मिक्सचर जो है घी छोड़ने लगा है, पैन से भी नहीं चिपक रहा है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। तो हमारा ये मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं, पैन को गैस से नीचे उतार लेंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा कर लेंगे जितना कि हम आसानी से लड्डू बांध सकें। लड्डू का मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। हाथ पे हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया है जिससे कि हमारे हाथ जले नहीं। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हल्के हाथ से इस तरह से लेते हुए हम चिकने कर लेंगे इनको। लड्डू का साइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमने लड्डू बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये लड्डू का मोल्ड ले लिया है,
तो इसमें मैं रखती जा रही हूँ जिससे कि देखने में ये और भी अच्छे लगेंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। झटपट से बन जाते हैं लड्डू, इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। कोई भी त्यौहार हो तो आप इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये पनीर के लड्डू बनके तैयार है। हमने जो थोड़े से कटे हुए पिस्ते लिए थे, तो लास्ट में थोड़ा सा मैं इसको कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दूंगी, जिससे कि देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो दीपावली आने वाली है, आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।